जैन बच्चों, आज शुरू करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको क्वेश्चन देके जाता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आपका नीट का हो या फिर जेई मेंस का हो, ये आपको टॉपिक क्वेश्चन देके ही जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से अराइज होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। बच्चों, नर्स्ट ने इलेक्ट्रोलिटिक कंसेंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक रिलेशन दिया था। तो आइए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। Nernst cleared the effect of electrolytic concentration on electrode potential and EMF of a cell. क्लियर? अभी डिस्कस किए थे आपको कि Nernst ने आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंसेंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन एक फॉर्मूला जनरेट किया है। आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला जनरेट किया है। कंसिडर आ जनरल रिएक्शन। बच्चों, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर एक प्रोसेस है, एक सिंगल सेल रिएक्शन दिया हुआ है। Mn plus In plus n इलेक्ट्रॉन is equal to m। Mn In ने n इलेक्ट्रॉन लिया और m में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है कि प्रोसेस जो है इट इज एट इक्विलिब्रियम। तो आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो होता है k या k इक्यू से दिखाते हैं, इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू होगा, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। आपको पता है प्रोडक्ट जो बना है यहाँ पे एम बना है, तो एम का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट एम एन प्लस आई एन का कंसेंट्रेशन। ओके बच्चों, हमको पता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिब्स फ्री एनर्जी जो है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो हम लोग पढ़ के आए फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, तो हमको पता है कि यहाँ पे डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होगा और ये स्टैंडर्ड किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इक्वेशन वन हो गया और इक्वेशन टू हो गया। बच्चों, फ्रॉम वेंट ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन आता है, वहां पे डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। एल एन आपका नेचुरल लॉग होता है और इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। अब बच्चों, यहां से डेल जी और डेल जी नॉट का ये वैल्यू यहां से उठा के हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो हमने यहां पे मेंशन किया फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो अब ये वैल्यू जो यहां पुट किया तो डेल जी का वैल्यू था माइनस एन एफ ई सेल, ये देखिए यहां पर आ गया है, और डेल जी नॉट का वैल्यू हो गया आपका माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आ गया है प्लस आर टी एल एन। और के के इज इक्वल टू आप जानते हैं प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, देखिए यहां पर रखा हुआ है। और ये वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एम डिवाइड बाय एम एन प्लस आई एन, तो ये वैल्यू उठा के भी हमने यहां पुट कर दिया है। उससे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जो हमने डेल जी और डेल जी नॉट का यहां पे वैल्यू पुट किया था, उस इक्वेशन में हमने इसको डिवाइड किया है माइनस एन एफ से, दोनों साइड लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड हमने क्या किया यहाँ पे माइनस एन एफ से डिवाइड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए माइनस एन एफ नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, और आर टी के नीचे भी माइनस एन एफ मेंशन किया हुआ है। अब आपको पता है माइनस एन एफ से ये माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन एफ से ये वाला माइनस एन एफ और ये एस सच रहेगा। अब बच्चों, आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो देखिये बचा क्या है, ई सेल बचा है सर लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या बचा है ई नॉट सेल बचा है, और ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस आर टी एल एन और डिवाइड बाय एन एफ, और ये देखिए ऊपर क्या है बचा क्या है, बचा है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, आप देख सकते हैं माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो गया है, और यहां पे नेगेटिव साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा आर टी डिवाइड बाय एन एफ एल एन कंसेंट्रेशन एम डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस आई एन। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको पता है कि एलएन जो होता है, आप याद रखिएगा बच्चों, आपको याद रखना है कि जो एलएन नेचुरल लॉग होता है इट इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10,
बच्चों ये आपको याद रखना है कि जो नेचुरल लॉग एलन वैल्यू है इट इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 होता है। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, एलन को यहां से कन्वर्ट कर लिया हमने लॉग बेस 10 में, और आपको पता है एलन इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 होता है, तो लॉग 10 यहां पर आ गया और 2.303 का वैल्यू यहां पर हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए वैल्यू क्या हो गया, ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी डिवाइड बाय एनएफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एमएन प्लस आयन। बच्चों आपको पता है कि यहां पर आर गैस कांस्टेंट, टी टेंपरेचर और एफ फैराडे, इनका वैल्यू 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम, तो ये वैल्यू हमने यहां पे रखा एंड इट विल बी इक्वल टू 0.0591। तो ये वैल्यू यहां से हम सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू हो गया है हमारा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग बेस 10 रहेगा। बच्चों यहां पे बेस 10 कर देते हैं, लॉग बेस 10 रहेगा। ये जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन आई है बच्चों इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड ओनली, आप देख सकते हैं इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। आई थिंक क्लियर है, थोड़ा आप इसको देखिए कैसे किया है और उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉब्लम करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल, सेल में एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होंगे, यानी कि यहाँ पे जो सेल रिएक्शन होगी वो एनोड और कैथोड दोनों के लिए होगी। आइए बात करते हैं, ये जनरल सेल रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमने जो डराइव किया था उसी इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ई सेल वॉज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। आपको पता है बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए आपको पता है कि एलन को आपने डिस्कस किया था कि एलन को अगर हमको कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, तो एलन इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो एलन इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया एलन को लॉग बेस 10 में 2.303 का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इक्वेशन हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी और ये डिवाइड बाय एनएफ और एलन हो गया लॉग बेस 10 और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट आपका सीओडी है और रिएक्टेंट आपका एबी है और जो पावर है ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी यहाँ पे मेंशन होगा वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है आर का वैल्यू बताया था अभी आपको 8.314 और टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन और एफ इज इक्वल टू होता है फैराडे, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 होता है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया और ये पूरी वैल्यू यहां पे आप जब सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.0591 में इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और बच्चों ध्यान रखिएगा एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ई सेल जो आपका ई सेल रहेगा ये जीरो हो जाएगा और लॉग के इज इक्वल टू लॉग क्यू, कई बार वो लॉग क्यू भी पूछता है, आप जानते हैं रिएक्शन क्वेसेंट होता है और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, तो लॉग के विल बी इक्वल टू लॉग क्यू। आइए आप कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। बच्चों एक प्रॉब्लम लेते हैं, कैलकुलेट ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, यहाँ पे ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है, निकिल जो है एनोड काम कर रहा है, एजी आयन जो है ये आपका कैथोड काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निकिल आयन ऑक्सीडाइज होकर एन आई प्लस टू दे रहा है, एजी आयन रिड्यूस होकर एजी दे रहा है। बच्चों फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे आप एनोड रिएक्शन पे कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो एन का वैल्यू 2 होगा, तो एन का वैल्यू 2 रखा हुआ है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सर यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 होती है, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिए हैं, केवल क्या लिए हैं निकिल आयन, ये प्रोडक्ट है हमारा और एजी आयन हमारा रिएक्टेंट है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट किया है और ये वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.91 वोल्ट। आइए कुछ और देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको इस सेल रिएक्शन के लिए ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ई नोट एफ ई प्लस ई नोट दिया हुआ है आयरन के लिए माइनस 0.44, आप जानते हैं फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशियंट एंड डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशियंट। अब यहाँ प्रोडक्ट है आपका एफ ई प्लस 2 और कोफिशियंट कितना है 1, तो बच्चों एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे एच प्लस आयन जो है वो आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पर वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है आपको। अब बात करते हैं सर एफ ई से एफ ई प्लस 2 ये एनोड रिएक्शन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो एन का वैल्यू क्या होगा 2 होगा,
अब यहाँ पे ई नोट बच्चों यहाँ पे माइनस में दिया हुआ वैल्यू, प्लीज ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया है। कुछ लोग बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं लिया है, बच्चों देखिए वैल्यू दिया हुआ है ई नोट एफ ई प्लस टू इज कन्वर्टिंग इन टू एफ ई, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एस आर पी वैल्यू और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एस ओ पी वैल्यू। तो हम लोग इसको एस आर पी वैल्यू को जब एस ओ पी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी एफ ई से एफ ई प्लस टू बनाना है और यहाँ बन रहा है एफ ई प्लस टू से एफ ई, आप देख पा रहे हैं, तो इसको रिवर्स करेंगे तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगी प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस वैल्यू लिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हुआ कि आपने यहाँ पे प्लस क्यों लिया हुआ है, और आपने ये वैल्यू रखा है प्लस टू का, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है कंसंट्रेशन वैल्यू और यहाँ पे एच आई एन का वैल्यू वन दिया हुआ है, वैल्यू पुट किया तो सोल्व करने पर ये आपको मिलेगा आंसर 0.5285 वोल्ट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम कुछ और प्रॉब्लम लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।